यूपी पुलिस पर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आरोप लगाए तो यूपी पुलिस ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने उत्तराखंड एसीएस के बयान को गैर जिम्मेदाराना तथ्यों से कोसों दूर बताया। दरअसल उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस पर फर्जी खुलासे का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि यूपी और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। हाल ही में कई मामलों में दोनों राज्य की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर काम किया, लेकिन शायद पहली बार है जब उत्तराखंड सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से इस तरह के कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरे देश में अपराध और अपराधियों के प्रति कार्रवाई करके एक नजीर प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीएफआई जो एक प्रतिबंधित संस्था है इसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तराखंड सरकार से यह मांग करती है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान तथा तथ्यहीन बयानों पर तत्काल रोक लगाई जाए। हालांकि यूपी पुलिस के पलटवार के बाद उत्तराखंड एसीएस राधा रतूड़ी ने सफाई दी है। आपको उनके दोनों बयान सुनवा देते हैं। जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया, ये भी गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो उससे और 99 और अपराधी पैदा होंगे। तो अपराध का सही सही विवेचना होनी चाहिए, सही लोगों को सजा मिलनी चाहिए। क्राइम होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना चाहिए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी प्रदेशों की पुलिस अच्छा काम कर रही हैं, यूपी पुलिस भी और उत्तराखंड पुलिस भी, और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें मिल के दोनों पुलिस काम कर रही हैं और उसको सॉल्व भी कर रही हैं और बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है। तो आशय सिर्फ इतना ही था कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी भी केस में ना फंस जाए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध ही पुलिस कार्रवाई करे।